चैनल पैंथेले वाले वीडियोस पर हम बात करने वाले हैं। एनबीए जी लीग के रिगार्डिंग बात करेंगे। गाइज यहाँ पे फर्स्ट मुकाबला जो आज का खेला जाएगा, यहाँ पे ग्रैंड रैपिड्स वर्सेस आपको लोवा के साथ गाइज ये मुकाबला होगा। काफ़ी बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। बट गाइज वीडियोज़ में आगे बढ़ने से पहले फाइनल एसल टीम चाहिए तो गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन कर लो। गाइज यहाँ पे आपको सभी बास्केटबॉल की गाइज आपको यहाँ पे टीम प्रोवाइड कर दी जाती है। ये एनबीए का रिजल्ट भी आप देख सकते हो, बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। बैक टू बैक गाइज आपको यहाँ पे क्लीन स्वीप मिलने वाले हैं। तो गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन किया मिलेगा, जहां से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो। गाइज यहां पे आपको फाइनल एसएल टीम मिलने वाले, या सर्च कर लेना @PanthelaElevenABC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अब गाइज बात करते हैं दोनों टीम की जो लास्ट मैच की बॉक्स स्कोर थी, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट की मैच यहाँ पे आपको लोवा वुल्व्स की टीम लास्ट मैच यहाँ पे विन करके आ रही है और इनके तरफ से परफॉर्म करने आए थे। आप देख सकते हो डी कार्टर्स जो पावर फॉर से प्ले करते हैं और इनकी परफॉर्मेंस की गाइज हम बात करते हैं, तो लास्ट के मैच में इन्होंने 37 मिनट्स प्ले किया था और 22 पॉइंट कनेक्ट हुए थे, 4 रिबाउंड रिसीव किए थे, 5 असिस्ट, 2 स्टील और 2 इनके ब्लॉक थे। बात कर लेते हैं जेमी नोट्स की, जो ये शूटिंग गार्ड से प्ले करते हैं और गाइज इन्होंने 34 मिनट्स प्ले किए थे, 14 पॉइंट, 11 रिबाउंड रिसीव किया था, 3 असिस्ट, 4 स्टील थे और 3 इनके ब्लॉक थे। एल मिनर सेंटर से प्ले करते हैं, मिलर की बात करते हैं 23 मिनट्स प्ले किए थे, 8 पॉइंट, 4 रिबाउंड और गाइज 1 इनके ब्लॉक थे। वहीं पर हम टी किल्स जो शूटिंग गार्ड से प्ले करते हैं 14 मिनट्स प्ले किए थे, 1 पॉइंट, 4 इनके रिबाउंड थे। डी नॉक्स पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते 34 मिनट्स प्ले करते, 32 पॉइंट, 8 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। वहीं जे कुक की बात करते हैं, ये काफ़ी अटैकिंग प्ले करते हैं बट गाइज लास्ट के मैच में कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहा था। वहीं हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, 27 मिनट्स प्ले किए थे, 13 पॉइंट, 5 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 1 इनके ब्लॉक थे। और स्टोन की हम बात करते हैं 26 मिनट्स प्ले किए थे, 2 पॉइंट, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट, 2 इनके स्टील थे। डिफेंसिंग प्ले करते हुए दिखे थे। टी मार्टिन की हम बात करते हैं 16 मिनट प्ले किए थे, 7 पॉइंट, 3 रिबाउंड, 1 इनके असिस्ट थे और 2 इनके स्टील थे। पी विलियर की बात करते हैं 9 मिनट इनको चांस मिला था बेंच से प्ले करने आते, 7 पॉइंटर थे, 2 रिबाउंड थे, 2 इनके स्टील थे। सेकंड टीम की गाइज हम बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट के मैच में जो आपको गोल्डन रैपिड्स की टीम, ग्रैंड रैपिड्स की टीम की हम बात कर लेते हैं, तो ये लास्ट के मैच में वैसे लॉस करके आ रही है और इनके तरफ से जो परफॉर्म करने आते हैं बी विल्स की हम बात करते हैं, तो गाइज इन्होंने 38 मिनट प्ले किया था, 19 पॉइंटर, 6 रिबाउंड, 2 असिस्ट, 1 इनके स्टील थे, 2 इनके ब्लॉक थे। वहीं टोनी की हम बात करते 38 मिनट प्ले किए थे, 15 पॉइंट, 11 रिबाउंड और 2 इनके ब्लॉक थे। बी की हम बात करते सेंटर से प्ले करते 24 मिनट्स प्ले किए थे, 14 पॉइंट, 4 रिबाउंड, 1 असिस्ट इनके थे। इफ्रॉन की हम बात करते 40 मिनट्स प्ले किए थे, 10 पॉइंटर, 6 रिबाउंड, 3 असिस्ट, 3 इनके स्टील थे। सी ग्लेस्पी जो पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते 41 मिनट लास्ट मैच प्ले किए थे, 27 पॉइंट, 8 रिबाउंड, 13 असिस्ट इनके थे और गाइज 1 इन्होंने स्टील किया हुआ था। स्मिथ की हम बात करते हैं 16 मिनट प्ले किए थे, 2 पॉइंट, 7 रिबाउंड, 1 इनके स्टील, 2 इनके स्टील थे। और गाइज वहीं पे बूम की हम बात करते हैं, ये 13 मिनट बेंच से प्ले करते हुए नजर आए थे, 6 पॉइंट, 1 रिबाउंड, 2 असिस्ट इनके थे। अब बात करते हैं आज के मैच में जिस प्लेयर्स को पिक करेंगे उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट गार्ड सेक्शन आपको डी कार्टन्स दिखने वाले जो स्टार्ट करते हुए दिखेंगे टीम में, ट्राई कर लेना। अटैकिंग प्ले कर रहे हैं स्टॉन की हम बात करते हैं, ये भी लास्ट के मैच में उससे स्टार्ट किए थे लीवा की टीम से, अपनी टीम में इनको ट्राई करके जा सकते हो। अगर फ्रैंकलिन आज के मैच में प्ले करते हैं तो गाइज टीम में ट्राई करके जाना, अदरवाइज ये आपको डी नॉक्स लास्ट के मैच में यहाँ पे आपको लीवा की टीम के तरफ से बहुत बेहतरीन इनका परफॉर्मेंस रहा था। और सी ग्लेस्पी की हम बात करते हैं, तो ग्लेस्पी का भी काफ़ी अटैकिंग प्ले रहा, यह आपको काफ़ी ग्रैंड रैपिड की टीम की तरफ से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हुए दिखे थे। और सेकंड हम शूटिंग गार्ड से बात कर लेते हैं, हाइशन लास्ट के मैच में कोई खास इनका परफॉर्मेंस नहीं रहता था। जे कुक की हम बात करते हैं स्टार्ट करते हुए दिखेंगे, ए फ्रेंक आपको बेंच से प्ले करते हुए दिखेंगे, टी केल भी ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते अगर स्टार्ट करेंगे टीम में ट्राई कर लीजिए, बी विल्स का भी परफॉर्म एवरेजिंग रहा था बट गाइस बी विल्स आपके आज के मैच में वैसे स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। स्मॉल फोर से हम बात कर लेते हैं, जे पैकेट्स रहने वाले हैं जो आपको स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। एल मिलर की हम बात करते हैं, मिलर का भी परफॉर्मेंस लास्ट के मैच में ठीक ठाक रहा था, अगर गाइज ये स्टार्ट करते टीम में जरूर ट्राई कीजिए। विल मूरे की हम बात करते हैं, मूरे लास्ट के मैच में वैसे प्ले नहीं किए थे, आज के मैच में अपडेट आती है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टोनी की बात करते हैं, लास्ट के मैच की टोनी की परफॉर्मेंस कोई खास नहीं रही बट गाइस टोनी आपको बिन से प्ले करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पावर फोर्ड से, तो गाइस पी व्हीलर रहने वाले जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे और जे पैकेट्स भी, ये भी आपको स्टार्ट करेंगे तो इनको टीम में ट्राई करके जा सकते हो। गाइस यहाँ पे 7.5 क्रेडिट में अवेलेबल रहने वाले, इस मैच में वैसे क्रेडिट शुरू नहीं है। बी की बात करते लास्ट के मैच में स्टार्ट किए थे, काफ़ी अटैकिंग इनका प्ले रहा था। और जे मीनॉट भी रहने वाले जो आपको स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। सेंटर से हम बात कर लेते हैं, अगर ग्रेजा आज के मैच में गाइस अगर स्टार्ट करते हैं ग्रेजा को एज एस पी ट्राई कर लेना, और जेहू रहने वाले जिनको आप एज ए एस पी और पी पी ट्राई करके जा सकते हो। अगर आज के मैच में ये दोनों प्लेयर्स प्ले करते हैं तो गाइज अपने एस एल और जी एल्स दोनों में इनको ट्राई कर लेना, जो आपके लिए एस पी 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 के लिए सेफ चॉइस होने वाले। बट गाइज ये आपको आफ्टर लाइनअप
प्रोवाइड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, किस प्लेयर्स को मैं एसएल और जेल टीम में पिक कर रहा हूँ। बुमराह की हम बात करते हैं, आपको बेंच से प्ले करते हुए देखेंगे। आप गाइज बात करते हैं सेटिंग प्रीव्यू की, जो आज के मैच में हमारी रहने वाले। उससे पहले गाइज आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो और ज्वाइन नहीं किया है तो गाइज ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे गाइज आने वाली है फाइनल एसएल टीम, या मैच से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएंगे। यहाँ पे गाइज आपको फाइनल एसएल टीम मिलती है सभी फॉर्मेट में गाइज, वैसे आपको टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए ये गाइज आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो का डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में पिन के मिलेगा, जहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन करके प्ले कर सकते हो या सर्च कर लेना @11FC और गाइज ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर आपको फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगे। बात कर लेते हैं गाइज यहाँ पे सेट टीम प्रीव्यू की। उससे पहले गाइज आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। यहाँ पे गाइज आपको सभी बास्केटबॉल का फाइनल एसएल टीम प्रोवाइड कर दी जाएंगी, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और गाइज हमारे सेट टीम की हम बात कर लेते हैं, तो सेट टीम में आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जिस प्लेयर्स को पिक किया हुआ है उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो पॉइंट गार्ड सेक्शन से मैंने 3 प्लेयर्स को पिक किया हुआ है गाइस। डिनिक्स को मैंने टीम में ट्राई किया हुआ जो पॉइंट गार्ड सेक्शन से प्ले करते हैं, डी कार्टन को मैंने टीम में पिक किया हुआ, ये भी दोनों अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। गिलेस्पी एज ए पीपी ट्राई करके जा सकते हो, जेकू की हम बात करते हैं ठीक ठाक परफॉर्म करते हैं, एज एस पी ट्राई कर लेना। टोनी की हम बात करते हैं, टोनी स्मॉल फोर्ड से प्ले करते हुए नजर आते हैं, जे पैकेट्स जो आपको स्मॉल फोर्ड से प्ले करते हैं, इन दोनों को वैसे आप चाहो अगर आज के मैच में स्टार्ट करते हैं ट्राई करके जा सकते हो। बी की हम बात करते हैं, स्मॉल फोर्ड से प्ले करते हो गाइज, यहाँ पे सेंटर से आपको ग्लेजर स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। वैसे ये गाइज हमारी सेट टीम है, सेट करके रखना, फाइनल टीम आने वाली गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे आपको फाइनल एसएल टीम आफ्टर लाइनअप आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे, इसलिए मिस मत कीजिएगा। और गाइज हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्ट विद पैंथर 11।